एक छिपकली की नीलामी हो रही थी। पहली बोली थी 1 लाख, दूसरी बोली 2 लाख, तीसरी बोली 10 लाख, चौथी बोली 1 करोड़। इतने में पुलिस पहुंच गई, मामला कोर्ट में गया। वहां जज के सामने फिर बोली लगी, पहला 1 लाख, दूसरा 2 लाख, तीसरा 10 लाख, चौथा 1 करोड़। इतने में जज साहब बोल पड़े, इस छिपकली में ऐसी क्या खास बात है कि इतनी ऊंची कीमत? तभी किसी ने कहा, जज साहब ये छिपकली ही एक ऐसी चीज है जिससे बीवी डरती है। तभी जज साहब एकदम से बोले, 2 करोड़। एक आदमी सहारनपुर स्टेशन पर गाड़ी पकड़ने के लिए खड़ा था। गाड़ी आने में अभी 5 मिनट का समय था। तभी उसने बुक स्टॉल पर एक किताब देखी जिस पर लिखा था, बीवी को कंट्रोल में कैसे रखें। उसने दुकानदार से पूछा, कितने की है? दुकानदार बोला, 50 रुपये की। उसने एकदम से ले ली। ट्रेन आई और वो उसमें बैठ गया और जल्दी से खोल कर किताब पढ़ने लगा जिस पर लिखा था, हरी सब्जियां खाएं, करेला खाएं, घास पर चले, नमक कम खाएं, सवेरे कसरत करें। उसका तो दिमाग ही घूम गया। झल्ला कर वापस किताब बंद करके उसने बाहर देखा तो टाइटल था, बीपी को कंट्रोल में कैसे रखें। जल्दबाजी में बंदे ने बीवी की जगह बीपी की किताब पकड़ ली। डॉक्टर, तुम पागल कैसे हुए? पागल, मैंने एक विधवा से शादी की, उसकी जवान बेटी ने मेरे बाप से शादी कर ली। इस तरह मेरा बाप मेरा दामाद बन गया और मेरी बेटी मेरी माँ बन गई, और उनके घर बेटी हुई तो वह मेरी बहन बन गई, पर मैं उसकी नानी का शौहर था इसलिए वह मेरी नवासी भी हुई। इसी तरह मेरा बेटा अपनी दादी का भाई बन गया और मैं अपने बेटे का भांजा, और मेरा बेटा अपने दादा का साला बन गया। डॉक्टर एकदम से बोला, चुप कर तू, मुझे भी पागल करेगा।